कार्य महिला हितकारिणी महापरिषद व भाजपा द्वारा विद्यार्थी एवं श्रम जन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति पर निर्भर करता है। आने वाले कल की ये युवा शक्ति ही आज के विद्यार्थी हैं, जो कल युवा होकर देश की बागडोर अपने हाथों में लेंगे और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ये बातें भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद श्रीवास्तव ने श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद एवं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित विद्यार्थी एवं श्रम जन सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होते हुए कही। आर्य महिला पीजी कॉलेज में आयोजित समारोह में उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थी ऐसे हों जिनके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित हो, और इसके लिए हमें इन विद्यार्थियों का वर्तमान पर ध्यान देना होगा, अर्थात इन्हें आदर्श विद्यार्थी बनाने के प्रयास करने होंगे। वहीं श्रम सम्मान के बाबत बोलते हुए महेश चंद श्रीवास्तव ने कहा कि श्रम के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिसका लाभ उन तक पहुंच रहा है और निकट भविष्य में भी उनके विकास एवं उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाए जाने की तैयारी है। समारोह में कार्यक्रम संयोजिका भाजपा महिला मोर्चा काशी क्षेत्र की क्षेत्रीय मंत्री एवं आर्य महिला हितकारिणी समिति की पूजा दीक्षित ने कहा कि यदि हमें विद्यार्थी जीवन में ही धैर्य का पाठ पढ़ा दिया जाए और उसे अपने जीवन में पूर्णतया धारण कर ले, तो आज नहीं तो कल हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस अवसर पर आर्य महिला पीजी कॉलेज एवं आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल की 101 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इसके अलावा सेवारत कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापरिषद के सचिव शशिकांत दीक्षित ने की। इसके पूर्व मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आर्य महिला कुलगीत की प्रस्तुति श्वेता शर्मा एवं अन्य ने की। इस मौके पर प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, अशोक चौरसिया, नवीन कपूर, अमरीश अग्रवाल, रचना दुबे, अंजना दीक्षित इत्यादि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो सबसे पहले मैं अपने बेटियों के लिए आप सभी से कहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आज के हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एवं गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज 2 अक्टूबर है। आज पूरा देश श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहा है। महात्मा गांधी जी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अतः हम सब न सिर्फ उनके विचारों के प्रति बल्कि उनके द्वारा बताए गए सत्य, अहिंसा, शांति, समानता एवं महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर भी चलते रहेंगे। इस सम्मान के माध्यम से और बच्चों को संदेश देना कि आप भी अपने जीवन में और अच्छा करो, जिससे देश का हर व्यक्ति अगर अच्छा करेगा तो देश का निर्माण की कल्पना, जो सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, वो तभी संभव है जब यहाँ के 135 करोड़ लोग एक बेस्ट परफॉर्मेंस करें। तो आज बच्चों के माध्यम से उनको सम्मानित करके उनको और प्रोत्साहित करने का काम इस संस्था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह का कार्यक्रम विद्यालय में? निश्चित रूप से जीवन में जो अच्छा करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए और उसके माध्यम से और लोगों को प्रेरणा मिले, तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं इस संस्था को शुभेच्छा भी व्यक्त करता हूँ।